कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल से हिमाचल प्रदेश के दो दिवसीय आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी कल कुल्लू मंडी सोलन जिला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगी और नुकसान का जायजा लेंगी और आपदा प्रभावित लोगों से भी मिलेंगी। उसके बाद कल शाम को छराबड़ा अपने निवास स्थान रुकेंगी और परसों शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रियंका गांधी के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि वह भी प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदा से धीरे धीरे उभर रहा और अब प्रदेश में 60 ही सड़कें बंद है जिन्हें 15 सितंबर तक खोलने का टारगेट रखा गया है। प्रदेश सरकार आपदा से निपटने के लिए काम कर रही है और केंद्र सरकार से हिमाचल में हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सरकार कोशिश कर रही है। केंद्र से अभी तक हिमाचल को नाम मात्र ही मदद मिली है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से मदद नहीं मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत सेतु योजना और अन्य माध्यम से जो हिमाचल को मदद करने की घोषणा की थी उसमें अभी कुछ देरी हो रही है, जिसके लिए वे दिल्ली दो दिन के दौरे पर भी जाएंगे और NHAI के अध्यक्ष केंद्रीय परिवहन मंत्रालय में अधिकारियों से मिलेंगे ताकि पुनर्वास कार्य में तेजी लाई जाए। न्यूज डेस्क NY। अब धीरे धीरे जो है वो प्रदेश नॉर्मलसी की ओर वापस आ रहा है और आज सुबह ही मैंने रिव्यू मीटिंग अपने डिपार्टमेंट के साथ करी है। अब कुल मिला के केवल 60 सड़कें हैं प्रदेश में जो अभी बंद हैं, बाकी सब सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो ओपन कर दी गई हैं। उनको भी इमीडिएटली खोलने के लिए हमने निर्देश दिए हैं और 15 तारीख, जैसा आप जानते हैं, हमने डेडलाइन दिया है कि 15 तक सारी सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो खुल जानी चाहिए। और जिस तरीके से स्थिति बनी है मुझे विश्वास है कि वो कार्य पूरा होगा। हमारी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका वाड्रा गांधी जी जो है वो कल हिमाचल आ रही हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा करना है और इसके लिए कुल्लू मनाली का, मंडी का और सोलन के कुछ क्षेत्रों का वो दौरा करेंगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी भी उनको कल रिसीव करने जा रहे हैं, पार्टी की अध्यक्षा भी उनको रिसीव करेंगी और क्योंकि हमारे क्षेत्र, हमारे डिपार्टमेंट का उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है तो उनको ब्रीफ करने के लिए हम कुल्लू में उपस्थित रहेंगे, जिसके लिए मैं आज कुल्लू जा रहा हूं और पूरी उनको स्थिति बताई जाएगी। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय आपदा को घोषित करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अभी प्रधानमंत्री जी से भी जो G20 की मीटिंग हो रही थी उसकी साइडलाइंस में उनसे मुलाकात करी है प्रधानमंत्री जी से और उनसे निवेदन किया है कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा हिमाचल के अंदर घोषित किया जाए और एक विशेष पैकेज हिमाचल को दिया जाए। उसके लिए फिर से पुनर्आग्रह किया गया है, इस विषय को पहले भी कई बारी उठाया गया है। मुझे दुख भी है कि अभी तक हिमाचल को जो है वो राष्ट्रीय आपदा हिमाचल में घोषित नहीं हुआ है और जो सहयोग केंद्र से मिलना है हिमाचल को वो भी अभी नाम मात्र मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जितना मिलना चाहिए, जितना नुकसान हुआ है, 10,000-12,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है, उसकी तुलना में बहुत कम सहयोग जो है वो केंद्र से मिला है। तो इसके लिए हम फिर से प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को मजबूती से जो है इसमें सहयोग मिले। और उसके बाद मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी है, वहाँ पर भी मैं जो NHAI के चेयरमैन हैं उनसे भी मिलूँगा और जो हमारा सड़क मंत्रालय है वहाँ पर भी उच्च अधिकारियों से हम मिलेंगे। और जब पीछे गडकरी जी हिमाचल आए थे तो उन्होंने यहाँ पे सड़कों के लिए काफ़ी घोषणाएं हिमाचल में करी थी कि करीबन 350 करोड़ रुपए जो है वो मिलेगा। अभी उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है तो उस विषय को भी हम प्राथमिकता से उठाएंगे ताकि वो पैसा जल्द हिमाचल को आए, जो चाहे वो भारत सेतु योजना के तहत है, चाहे NH को के रिपेयर के लिए है, चाहे जो NHAI के माध्यम से पैसा आना है, वो जल्द हिमाचल को आए। तो मैं दो दिन के दिल्ली दौरे पर भी रहूँगा और वहाँ पर भी इस विषय को पूरी मजबूती से उठाएँगे कि ये पैसा जल्द हिमाचल को मिले ताकि हिमाचल को वापस जो है वो पटरी पर लाने पर हम पूरा सहयोग दे सकें। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि आस्ते आस्ते जो है वो टूरिज़्म भी हिमाचल में बढ़ना शुरू हो रहा है, शिमला में भी बढ़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि वापस अगर हमें पटरी पर अपनी अर्थव्यवस्था को
इकोनॉमी को लेकर आना है, उसमें टूरिज़्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक योगदान रहता है। उसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और 3 दिन का जो है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग एक वो भी दिन भी मनाया जा रहा है और टूरिस्ट को प्रदेश में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए हम सड़कों को सुरक्षित रखने का हमारी जिम्मेवारी है, जो हम पूरी तरीके से जिस कार्य पे अपना पूरा योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं।